हेलो गाइस, नमस्ते। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, यहाँ पे अभी अपनी मैं छोटी माँ के घर पे ही हूँ, तो मैं नाइट में ना थोड़ा सा घूम रही थी और यहाँ पे बच्चे देख रहे हैं कार्टून। तो बच्चों का तो इतना मन लग गया है नानी के घर पे कि बच्चे तो आने का नाम ही नहीं लेते। तो यहाँ पे बच्चे कर रहे थे एंजॉय। अरे घूम के आई हो ना, सेक लो हाथ। गरम गरम लगता होगा ना इसमें, है तो यहाँ पे फिर छोटी माँ ने बनाया खाना। तो मेरा ना मेथी आलू का खाने का बहुत मन था, तो फिर उन्होंने यही बना दिया। उसके बाद हम लोग जा रहे हैं मार्केट। तो गाइस, फाइनली यहाँ पे हमारी सारी फैमिली बैठ चुकी है। तो मैंने ना बहुत कहा था छोटी माँ ने, लेकिन मुझे आगे बिठा दिया था कि नहीं तुम आगे बैठो। तो फिर हम लोग जा रहे हैं मार्केट शॉपिंग करने के लिए। तो पता है, जब मायके में आते हैं ना, तो मायके में आने का ये होता है कि जैसे हम कहीं जाते हैं ना शॉपिंग वॉपिंग करने में, और फैमिली के साथ कुछ ज़्यादा ही अलग सा फील होता है, बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे ना मैं भाई ने गाड़ी में म्यूजिक चला रखा था, नहीं तो मैं आपको दिखाती हम कैसे कैसे बात करते हंसी मजाक करते करते गए। आराध्या तो बहुत खुश हो रही थी, बहुत मस्ती कर रही थी। मतलब अच्छा लगता है अपनी फैमिली के साथ ना टाइम स्पेंड करना, घूमना फिरना, ये सब अच्छा लगता है। और ये मेरा छोटा भाई है स्मार्ट उषा, तो ये अभी गाड़ी वाड़ी अच्छे से चला लेता है। वैसे इसकी ज़्यादा एज नहीं है, 18-19 साल का ही है, लेकिन वो है ना अच्छा, इसका मतलब अच्छे से साथ में रहते हैं ना, तो फिर ठीक भी रहता है, इसको देखते रहते हैं। और यहाँ पे देखो आराध्या ना डांस करती हुई जा रही थी, तो बस मैंने कॉपीराइट की वजह से ही थोड़ा आवाज़ को कर दिया है बंद, ताकि कॉपीराइट ना आ जाए। तो प्लीज़ भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। तो आराध्या ना पूरे रास्ते इसी तरह से करती गई थी। वैसे तो मार्केट काफ़ी पास में है, तो अलीगढ़ का जो फेमस मार्केट है ना सेंटर पॉइंट पे, बहुत यहाँ पे सबसे पहले हम इसी दुकान पे आए थे बच्चों के लिए देखने के लिए। तो यहाँ पे हमने बहुत चीज़ देखी, लेकिन वो चीज़ हमको पसंद ही नहीं आई जो चीज़ हम ले रहे थे। तो फिर मौसी का तो बिल्कुल मन एकदम हट गया था, फिर वही मैं ही देखने लगी थी। मैंने कहा चलो देख लेते हैं कुछ मिलता है। तो फिर मौसी को तो बिल्कुल यहाँ पे कुछ अच्छा ही नहीं लगा था। फिर हम यहाँ से निकल पड़े थे दूसरी शॉप के लिए। हमने सोचा यहाँ पे बच्चों के कपड़े इस पर मिल जाएंगे तो ठीक है, लेकिन इस पर कुछ अच्छा नहीं लगा। तो दुकान वाले भैया बोलते हैं कि अभी मैं रुक जाओ, अभी जो नया सामान आया वो मैं आपको दिखाता हूँ, उसमें से आप चॉइस करो। तो हमें उसमें से भी कोई नहीं पसंद आया। और यहाँ पे आराध्या तो देख रही थी कि उसके लिए कपड़े चॉइस कर जा रहे हैं, तो उसको भी वो भी कह रही थी ना 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 मुझे भी कुछ पसंद नहीं है। तो भैया ने तो बेचारे ने बहुत सारे चीज़ें निकाली, बहुत सारे नया जो ब्रांड चल रहा है वो भी निकाला, लेकिन पसंद वाली बात होती है ना, हमको बिल्कुल पसंद नहीं आया। कैसे लग रहा है? अच्छा। होगी नहीं। अरे आप फोटो ले आप ना, कैसी ले? हाँ बस ये वादा कर दो। फिर उसकी टेंशन खत्म नहीं हो रहा है। मैं आपको ये टेंशन ले लेंगी, और भी टेंशन ले रही हूँ। उसके बाद बच्चों का हो गया था और यहाँ पे आए थे हम साड़ी लेने के लिए। तो ये बहुत बड़ा शोरूम है अलीगढ़ का, तो यहाँ पे ना मतलब मौसी को ना हर जगह सब लोग बहुत जानते हैं, चाय नाश्ता आता है जहाँ भी ये चली जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा वो लगता है ना। और हमको भी बहुत खुशी होती है कि हमारे बड़ों का इतना आदर सम्मान होता है। तो यहाँ पे हमने जो साड़ी चॉइस करी थी वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी, क्योंकि इतनी बढ़िया साड़ी थी ना, मतलब बहुत ज़्यादा पहनने के बाद भी इतना अच्छा लुक दे रही थी, मैं आप लोगों को ज़रूर दी। और यहाँ पे ना देखिए गाइस, वीडियो बनाना बिल्कुल मना था, लेकिन मेरी मौसी की ना बहुत जान पहचान है, तो इसीलिए ही हम लोग बना पाए। आज हमारी अभी गुड मॉर्निंग हो चुकी है, और गुड मॉर्निंग हमारी हुई है आज 8 बजे, और यहाँ पर ना 8 बजे ही हो रही है, वहाँ पे हम 6 बजे 5:30 बजे ऐसे उठते थे। तो यही होता है एक माँ का, जो मायका होता है ना, और जो माँ का घर होता है वहाँ, वो सुकून भरा होता है। कभी भी उठो कभी भी बैठो, तो रोकने टोकने वाले तो देखो ससुराल में भी नहीं होते हैं, लेकिन जो एक फ्रीडम लाइफ होती है ना, वो मुझे लगता है कि मायके में होती है, माँ के घर में होती है, है ना। तो यहाँ पे देखो बच्चे उठ चुके हैं, अनमोल खेलने में लग जाता है।